अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस ख्वाब की ताबीर को बयान करेंगे वह है ख्वाब में गीबत करना। ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं कि ख्वाब में गीबत करने की ताबीर। ख्वाब में गीबत करना बेदारी में बरकात को ख़त्म करने पर दलालत करता है, इसलिए कि गीबत हसनात को इस तरह खा जाती है जैसे लकड़ी को आग खा जाती है। अगर कोई ख्वाब में देखा कि वो किसी इंसान की गीबत कर रहा है, अगर वो गीबत मोहताजी के बारे में है तो यह अलामत है कि मोहताजगी उसकी तरफ लौटेगी, और अगर वो गीबत किसी ऐब के बारे में है तो ये दलील है कि ऐब उसकी तरफ लौटेगा। इसी तरह अगर मोहताजी और ऐब के अलावा किसी और के साथ गीबत हो तो गीबत करने वाले को उसी चीज़ का सामना करना होगा। ख्वाब में गीबत करना बेदारी में नुकसान में पड़ने पर दलालत करता है। अगर कोई इंसान किसी की गीबत किसी वजह से करे तो यह अलामत है कि उस बंदे को उसी चीज़ के साथ आजमाया जाएगा। तो ये थी ख्वाब में गीबत करने की ताबीर। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नई ताबीर के साथ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।